सीख कर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ वर्कर। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का वीडियो बेसिकली मेरे सारी अचीवमेंट यानी मेरे सर्टिफिकेट स्कूल एंड कॉलेज के एंड डिग्री पे होने वाला है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं खुद को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, अभी रिसेंटली मेरे को अपने DU की यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मेरा कॉलेज था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का DU का लक्ष्मी कॉलेज था, तो उसके रिसेंटली मुझे उसकी डिग्री मिली है यानी कि मेरे जो ग्रेजुएशन वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरे स्कूल जो थी पूरे स्कूल लाइफ वो पूरे गवर्नमेंट स्कूल की मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही मैं पढ़ी हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी डिग्री से। जो मेरे पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है वो 12th की स्कूल लेवल पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरी 10th क्लास की ये डिग्री आती है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी, क्योंकि पहले जो इतनी बड़ी डिग्रियाँ चलती थी अब इतनी भी डिग्रियाँ नहीं चलती। तो ये मेरे जो इसमें मेरे नंबर आए थे वो थे CGPA पहले चलती थी। CGPA होती है परसेंटेज के अलग होती है थोड़ा। तो 10 में से मेरे से जो CGPA आई थी वो 7 आई थी, 7.0। ठीक है, 10 में से 7 मेरी जो CGPA आई थी और अच्छी थी। मेरी स्कूल लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही, मतलब मुझे मेरे स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। देखो अभी मैं आज जो बलबूते करूँ, मतलब आज जो आपके सामने बैठी हूँ मैं, अपने स्कूल एंड मेरे टीचर्स एंड अपनी कॉलेज की वजह से ही इधर बैठी हूँ मैं। ठीक है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है और ज़्यादा एक मतलब बहुत कुछ कहते हैं ना कि कोई ना कोई टीचर आपकी रोल मॉडल होती है, तो मेरे एक रोल मॉडल टाइप मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उन लोगों ने। ठीक है, देन उसके बाद है जो मेरा 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो अगर देखा जाए तो जो मेरे मार्क्स थे वो 7. सीरियसली बताऊँ, सच्चाई बताऊँ तो 779 कुछ समथिंग मेरी जो परसेंटेज बन रही थी 100 में से बोर्ड एग्जाम में जो 12th क्लास का। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा आप तो मतलब एंट्रेंस बेस पे चले गए, जो पहले जो मेरिट बेस पे जो कॉलेज के एडमिशन होते थे BA के, BCOM के, BSc के, लेकिन अब जो एग्ज़ाम बेस पे चले गए, लेकिन पहले जो थे उसमें बेस्ट 4 लेते थे कि जो आपकी मार्कशीट है उसमें से आपके बेस्ट 4 में से जो भी नंबर बनते हैं तो वो आ जाएंगे। तो मेरे बेस्ट 4 में से मेरी जो परसेंटेज थी वो 85% बच गई थी, मतलब जिसके भी आपके मैं सेकेंड कट ऑफ में लक्ष्मीबाई कॉलेज से सेकेंड कट ऑफ में मेरा एडमिशन हो चुका था रेगुलर कॉलेज से लक्ष्मीबाई कॉलेज से DU से। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरी मार्कशीट है 12th क्लास की। देन 12th क्लास के सर्टिफिकेट मेरे पास आ जाता है, ये है जो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में एक सब्जेक्ट था होम साइंस जो मेरे पास था 12th क्लास में, 12th एंड 11th में, तो उसमें बोर्ड एग्जाम में मैंने जो बोर्ड एग्जाम में 100 में से यानी 100 में से 95 स्कोर गया था मेरा होम साइंस में, तो उसके व्याप पे ये अचीवमेंट सर्टिफिकेट मुझे मिला था और मुझे बहुत प्राउड होता है इस सर्टिफिकेट पे कि बिकॉज ये मेरे स्कूल का सर्टिफिकेट है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग बड़े स्कूल से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। आप लोग भी अगर कॉलेज जाओगे या कॉलेज में पढ़ रहे होगे आप लोग स्टूडेंट, तो आपको कहीं ना कहीं स्कूल की याद तो आती होगी। देन नेक्स्ट है हमारी जो मेरी डिग्री है कॉलेज की, ये मेरी कॉलेज की डिग्री आ जाती है। ये रिसेंटली मुझे अभी मिली है, क्योंकि डिग्री हमेशा एक साल के बाद मिलती है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, तो ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने के बाद मेरे को डिग्री मिली और ये डिग्री भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील है मेरे लिए। सो DU से रिलेटेड DU की डिग्री है। देन नेक्स्ट मेरी मार्कशीट आती है इधर, तो मेरी जो मार्कशीट है, मेरी मार्कशीट में जो सारे ग्रेड है A+, B+, BA, BC कोई नहीं है, मतलब मार्कशीट भी मेरी अच्छी खासी है, मतलब अच्छी है। तो जिसकी परसेंटेज है मेरी 72% रही थी ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो उसके बाद है अब हम अपने सर्टिफिकेट्स पे आते हैं। ठीक है, मतलब जो मैं जैसे मैं आपको बता दूँ, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि आई एम ऑल्सो टॉपर इन द क्लास। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर जो मेरा फर्स्ट ईयर था कॉलेज का, तो उसमें मेरे फर्स्ट ईयर मैंने हिस्ट्री में टॉप किया था ओवरऑल पूरे क्लास के अंदर। मैंने और मेरी फ्रेंड थी जूफी, हम दोनों टॉप किया था। जूफी बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरे लिए, मतलब जितना मैं उसके साथ रही हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ गुड फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड की टाइप है वो। तो उसने और मैंने टॉप किया था एज अ टॉपर सर्टिफिकेट हिस्ट्री डिसिप्लिन के अंदर। डिसिप्लिन के अंदर देखो मैंने BA प्रोग्राम से किया, तो BA प्रोग्राम के अंदर दो सब्जेक्ट होते हैं ओवरऑल, तो वे 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन दो सब्जेक्ट होते हैं मेन सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन सब्जेक्ट, और बाकी जो दो होते हैं वो होते हैं जैसे कि इंग्लिश कोर, हिंदी कोर, मतलब वो सेमेस्टर वाइज चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कॉलेज के बिहाफ पे बता रही हूँ। तो उसके बाद है तो ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मेरे पास मतलब 3 साल तक, थर्ड ईयर तक मेरे पास रहेंगे। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड ईयर में एक और मेरा सब्जेक्ट टॉप किया था मैंने, जो कि ये है
हिस्ट्री डिसिप्लिन अगेन, मतलब मैंने थर्ड ईयर के अंदर पूरे टॉप किया था। इसमें भी मेरे साथ जूफी ही थी, क्योंकि जूफी ने भी टॉप करा था मेरे साथ पूरी ओवरऑल क्लास में। तो ये टॉपर सर्टिफिकेट है लक्ष्मीबाई कॉलेज से, DU से, ठीक है। देन अगेन टॉपर सर्टिफिकेट एक और आ जाता है यहाँ पर, जो कि पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन के अंदर पूरे ओवरऑल मैंने ही टॉप किया था पूरी क्लास में हिंदी मीडियम से, ठीक है। तो ये टॉप सर्टिफिकेट है, टॉपर सर्टिफिकेट अगेन लक्ष्मीबाई कॉलेज DU से, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि मैं आपको पता होगा कि मतलब जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने डिग्री के अकॉर्डिंग मैंने जो मेरे को डिग्री मिली थी उसका भी वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। प्लीज़ उसको प्लीज़ सपोर्ट करना उस वीडियो को। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आई वॉज ऑल्सो NSS वॉलंटियर एंड NSS कोर हेड, ठीक है। तो जैसे कि NSS सोसाइटी होती है, दो तरह की सोसाइटी होती है वैसे, जो मेन सोसाइटी होती है कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर मास्टर्स पर, एक होती है NSS और एक होती है NCC, ठीक है। NSS की फुल फॉर्म हुआ नेशनल सर्विस स्कीम। इसमें ऑलमोस्ट आप लोग पूरा समाज सेवा करते हो, पूरा एकदम पूरा जो आप खुद को समर्पित कर देते हो किसी दूसरों के लिए, मतलब यानी लोगों की भलाई करते हो, ठीक है। तो मैंने वो सोसाइटी ज्वाइन करी थी एंड मोस्टली दोनों सोसाइटी अपने कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप एज आ करिकुलम एक्टिविटीज़ करते हो तो आप प्लीज़ और प्लीज़ ज़रूर एक मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप NCC या फिर NSS को, इन दोनों में से कोई एक सोसाइटी को ज्वाइन पक्का ज़रूर करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत आपको एक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है दोनों चीज़ का, दोनों में से कोई भी चीज़ करने में, क्योंकि ओवरऑल सोसाइटी बहुत ज़्यादा अच्छी, इनोवेटिव क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो उसके भी आगे मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन, बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। तो आइए इसके स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे एक सर्टिफिकेट यहाँ पर आ जाता है, यह है सर्टिफिकेट मैंने विवेकानंद कॉलेज से, लक्ष्मीबाई कॉलेज से रिलेटेड, मतलब NSS की विवेकानंद कॉलेज की NSS यूनिट है। उसके भी यहाँ पे मैंने एक पोएट्री राइटिंग कॉम्पिटिशन दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेशन का। सो आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा कि मैं खुद पोएट्री लिखती हूँ, मेरी डायरी बन रखी है, मैं खुद पोएट्री लिखती हूँ। मैंने कुछ पोएट्री अपनी अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करी है, ठीक है, आप वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। दैन इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो ये सर्टिफिकेट आ जाता है। देन अगेन विवेकानंद कॉलेज का एक और सर्टिफिकेट है, विवेकानंद कॉलेज के NSS यूनिट का ये सर्टिफिकेट है। पर्टिकुलर मैंने पोस्टर राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का, ठीक है। देन ये एक और सर्टिफिकेट आता है, अगेन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का जो सर्टिफिकेट है, ये जो NCC और NSS को कलैब एक करके हमने एक वेबिनार किया था योगा डे पर, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वो पूरा सेशन अटेंड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, कॉलेज का ही, अपने लक्ष्मीबाई कॉलेज का, ठीक है। देन एक और सर्टिफिकेट आता है अपने लक्ष्मीबाई कॉलेज का, NSS अपने लक्ष्मीबाई कॉलेज की जो NSS यूनिट है मेरे कॉलेज की, NSS सोसाइटी का एक और सर्टिफिकेट है, ये ग्रुप डिस्कशन उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो ये भी सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है, ठीक है। देन अगेन एक सर्टिफिकेट आता है, ये जो सर्टिफिकेट, ये भी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन था, ये जो कि एनवायरमेंटल डे था उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट किया था अपने ही कॉलेज से, ये कोई सोसाइटी का नहीं है, ये अपने ही कॉलेज का एक ई पोस्टर बनाया था मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे मिला था। देन एक और मेरे पास सर्टिफिकेट आता है, ये जो सर्टिफिकेट है ये अवेयरनेस हमारी कॉलेज में एक अवेयरनेस कैंसर से कुछ थीम थी उस टाइम की, एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसके व्याप पे ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। देन एक और सर्टिफिकेट है अगेन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट है ये अपने ही जो जानकी देवी जो कॉलेज है, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, उसके NSS यूनिट से मैंने उनको एक वेबिनार अटेंड करा था योगा डे का, तो उससे रिलेटेड ये सर्टिफिकेट आ जाता है, ठीक है। देन अगेन एंड लास्ट सर्टिफिकेट है ये जो सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन टीचिंग, ये जो सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन टीचिंग असेसमेंट फॉर्म था, एक मतलब क्विज कंपटीशन था, तो उसमें मेरा जो पासिंग स्कोर था वो 100 आया था, मतलब पूरे 100 मार्क्स आए थे, मतलब जो परसेंटेज थी वो 100 आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसके भी यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट मिला। तो मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ माई कॉलेज, मतलब मेरे स्कूल और कॉलेज के बहुत सारे सर्टिफिकेट मेरे पास है, डिग्री है मेरे पास, मतलब देखा जाए तो ये मेरी एक मेरी पहचान है, मेरी जान है, मतलब सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे को सारे बुक्स पसंद है, मुझे
सर्टिफिकेट पसंद है मुझे, मतलब अपने सारे, और जो भी अभी तक जो मैंने लर्निंग करी, जो मैंने सब कुछ सीखा, तो मतलब ये मुझे दिखाता है कि मैं बरखा हूँ, इन सर्टिफिकेट में भी बरखा है, ठीक है, मतलब इन द सेंस मेरी आइडेंटिफिकेशन जो सर्टिफिकेट्स हैं, बुक्स हैं, वो है, ठीक है, क्योंकि मुझे इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। सो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। देन अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो को हिट लाइक ज़रूर देना, देन कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, देन तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ज़रूर करना। देन अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा, बाय बाय, बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी सेफ, बाय बाय।